रायपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर, जहां पर सीएम भूपेश के बयान पर नारायण चंदेल ने पलटवार किया है। पहले पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक कांग्रेस के थे, ये चंदेल ने दावा किया है। मंदिरों धाम के निर्माण पर उन्हें किसने रोका था, ये सवाल उन्होंने उठाया है। राम मंदिर की प्रक्रिया आज ही क्यों शुरू हुई, नारायण चंदेल का ये सवाल। पहले कभी राम मंदिर की चर्चा नहीं किया करते थे, ये भी उन्होंने पूछा है। इधर सीएम भूपेश ने रमन सरकार पर निशाना साधा था। आपको बता दें, 15 साल सत्ता में रहने वालों ने कौशल्या धाम पर ध्यान ही नहीं दिया, ये आरोप मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लगाया था। जब हम कहते हैं कि कौशल्या माता का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ है तो कहां पर हुआ, हमसे सवाल करते हैं। उनको अवसर मिला 15 साल तक के कुछ नहीं किए, लेकिन जब हम निर्माण करते हैं, सौंदर्यीकरण करते हैं, कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, तो भगवान परशुराम का छत्तीसगढ़ से क्या नाता है, किसानों से क्या संबंध है, मैंने बताया तो लोगों को पेट में दर्द होने लगा। इस देश में 65 साल 70 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, जहां रामलला पैदा हुए अयोध्या में, कांग्रेस की सरकार ने वहां पर मंदिर क्यों नहीं बनवाया, कौन रोका था उनको? पूरे देश के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक कांग्रेस में था।